उसने हम पर पानी के वजह से अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा खतरा इन्हीं मसाइल की वजह से है, जिसमें करप्शन भी है, जिसमें सिस्टम का डिले होना भी है, ना इंसाफी और बेदाफ्तियां भी है। आप क्या समझते हैं ऐसे कौन से पैरामीटर हो सकते हैं जिनके तनाव में आप ये पैसा कर सकते हैं कि जनाब दिस थिंग इज कॉल्ड गुड गवर्नेंस एंड दिस थिंग इज कॉल्ड बैड वन। देखें इस वक्त मीडिया आपके हसास अदारे, आपके आवाम और सबसे बड़ी बात चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, इस वक्त जो सबसे ज्यादा कंसर्न है, उन्होंने भी जो पहली और बात की है वो गुड गवर्नेंस की बात की है। आपके आईएसपीआर से स्टेटमेंट आ रहे हैं गुड गवर्नेंस के आ रहे हैं, आईएसपीआर जैसे जो कैसे सामने आए कि बहुत तरह से हुक्मरानी बेहतर करें, ये गुड गवर्नेंस के स्टेटमेंट आ रहे हैं। लेकिन उसके जवाब में हुकूमत की आज बात सामने आए ना कि जाना भी गैर कानूनी तकरार है, कुछ इस तरह की बात सामने आए ऐसा है। देखिए ये गुड गवर्नेंस पे कंट्रोल पार्लियामेंट ने रखना होता है जी, लेकिन जहां पार्लियामेंट में आप खुद बैठे हों जो आप ही गुड गवर्नेंस को ओवरसी करें तो फिर लोग तो बोलेंगे ना, फिर हर आदमी को चीखने का तो हक है ना। अब देखें ये सिस्टम लेकर आए हैं, ये जो आपका बुनियादी सिस्टम है बड़ी इंटेलिजेंटली अपने मुफाद के खाते इन्होंने इसको बुनियादी शिफ्ट जो है 62-63 उसको गैप कर दिया। सही, अगर 62-63 आपको यहाँ पे क्या लोग साफ सुथरे लोग नहीं चाहिए, ट्रांसपेरेंट लोग नहीं चाहिए, जो निचली सतह पे अच्छे लोग नहीं चाहिए, तो देखें। और दूसरे जो पावर है वो इसको हटाने की, जब जब हुक्मरानों के ऊपर 58B2 लगती है तो बहुत चीखते हैं, तो ये हमारे सर पे तलवार लगती हुई है। और यहाँ पे जो चीफ मिनिस्टर के हाथ में दे दिए कि जब चाहे मर्जी वो बुजियाती जो चेयरमैन है इनको हटा सकते हैं, तो क्या ये 58B2 भी नहीं है? ये 58B2 भी है। आप जो चीज मांगते हैं अपने लिए वो दूसरों को भी आगे देना। जब तक निचली सतह पे अवाम के दरवाजे पे उसके सहूलियतें पहुंचती, उनको इंसाफ उन तक नहीं पहुंचता, उनके अपने मसाइल उन तक नहीं पहुंच सकते, उनके पंचायत सिस्टम उन तक नहीं पहुंच सकता, ये सब कुछ एक मैं ये समझता हूँ कि एक खाली ढांचा है, ये किसी वक्त भी कोलैप्स होने वाला ढांचा है। तो मैं इस सिस्टम को सपोर्ट नहीं करता, इस पे सोचना चाहिए कि यार अगर आपने इनको पावर नहीं देंगे, इन लोगों को इन्वॉल्व नहीं करेंगे, तो यही लोग फिर आपके गलत रास्तों पर जाते हैं ना। सर चेक एंड बैलेंस रखेंगे। इस वक्त जो पिछले सिस्टम में आया ना, जो मिलिट्री रूलर का था, लेकिन काफी हद तक जो बेहतर था वो 2001 जनरल मुशर्रफ का निजाम था, उसको भी इन्होंने आगे जिस तरीके से डिमोलिश किया। अब इस निजाम में जो कुछ सिस्टम है में कुछ थोड़ी बहुत बेहतरी है तो वो केपीके में लगती है, जहां पे वो 3 साल के लिए भी है, उन्होंने पुलिस को भी पावर उन बल्दियात में दिए हैं। अब फाइनेंस के पावर भी इनके पास है, वो फाइनेंस भी ये कहते हैं कि जी वो एमपीएस और एमएनएस के थ्रू जाएंगे, तो उनके पास है क्या? ये सिर्फ सीवरेज के लिए इतना बड़ा सिस्टम, इतना करोड़ों अरबों रुपए का खर्चा, ये बेकार है, ये सिस्टम भी बेकार है। अफानी साहब आपने मुशर्रफ साहब की बात की, इसका मतलब अगर मैं ये कहूँ कि इंटरनली यू आर जस्ट सपोर्टिंग मिलिट्री रूल बाय द वे, तो इज दैट सो और नॉट? मेरे साथ आप क्या कहेंगे अफानी साहब की इस बात पर? मैंने कहा कि मिलिट्री रूल जो है ना इज बेटर ऑप्शन साहब ने करवाया कि जनाब गवर्नेंस है ही नहीं, बैड गुड के आने से तो बात सामने आती ही नहीं है। तो यकीनी तौर पर जब इदारे मजबूत होंगे, खुद मुख्तार होंगे, लोगों को उनके दलों पर जो है इंसाफ मिलेगा, इस हमारे से मजबूत निजाम कायम होगा। लेकिन शायद ये सब चीजें जो है वो करप्शन और इस तरह की माफिया की नजर हो चुकी है। अगर मैं ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के वाले से बात करूं तो पाकिस्तान के वाले से 174 में से पाकिस्तान जो है वो 174 में 126 नंबर पर आता है करप्शन की सूरत में आपके पेशे नजर। तो आप क्या समझते हैं जहां पर ये रेशियो हो करप्शन और इस तरह के माफिया की जो हावी हो रहे हैं हमारे निजाम पर, तो वहां किस तरह से ये तमाम तरह सूरत पैदा कर सकते हैं जिसका इंसाफ भी हो, इदारे भी खुद मुख्तार हो, इंसाफ भी मिल रहा हो और लोग भी खुश, और खुद एतमादी के हवाले से जो बात की जाती है, हुक्मरानों पर एतमादी की बात की जाती है, ऐसा माहौल भी बहाल हो? मैं ये समझता हूँ कि लोग डिफरेंट अदारों को कहते हैं कि इस मुल्क में तबाही के जिम्मेदार हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि इस मुल्क में अदलिया का एक बहुत बड़ा किरदार है। सही, मुझे पता हो मैंने जो किया मुझे सजा मिल जाएगी, मैं उससे इतना करूंगा, मैं उससे पूछ रहा, लेकिन आज तक ये अदालत तो एक अदालतें तो एक पनागा बन गई उन लोगों की, जो कभी स्टे लेकर अपने टाइम ले लेते हैं, कभी मुख्तलिफ पिटिशन दायर करके करप्शन करते हैं। नैब को देखें, आप 10 करोड़ उठा लें, 4 करोड़ के आप उनके साथ डील कर लें, वापस कर दें और 6 करोड़ आपको उनके सर्टिफिकेट मिल जाता है कि वो आपका वाइट मनी हो गया। तो इंसाफ सबसे पहले इसके अंदर मेन फैक्टर है। अभी करप्शन अभी हमने देखा कि जो कराची में रेंजर्स कर रही हैं, रेंजर्स के साथ उन्होंने एबिटेटर जो उनके फाइनेंसर हैं, उस फाइनेंसर की
उसने लोगों को पकड़ना शुरू कर दिया, उस पर लोगों ने शोर मचाया, जमहूरियत खतरे में, जमहूरियत खतरे में, भाई जमहूरियत खतरे में, ये करप्ट लोग खतरे में है। और मैं ये समझता हूँ कि कोई भी आदमी नहीं, कोई भी जमहूरी पसंद आदमी नहीं चाहता किसी अदारे की इन्वॉल्वमेंट नहीं चाहता कि जो कोर्ट का काम है वो कोर्ट करें, जो एफआईए का काम है एफआईए करें, करप्शन का और नैब का जो काम है वो अपने काम करें। लेकिन रेंजर्स ने इनके हवाले से, टेररिज्म के हवाले से करप्ट लोगों को अपनी गिरफ्त में लिया, उससे थोड़ा सा